नमस्कार, हरियाणा भारत में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ कुलदीप सिंह पठानिया। खबरों की शुरुआत करते हैं अहम सुर्खियों के साथ। प्रदेश में महारा गांव जगमग गांव योजना के तहत 5223 गांव तक पहुंची बिजली। 24 घंटे बिजली की आपूर्ति के लिए सरकार ने बनाई थी योजना। प्रदेश में 1 फरवरी से 6ठी से 8वीं क्लासेस के खोले जाएंगे स्कूल्स। कोरोना की घटती रफ्तार के बीच सरकार ने लिया फैसला। पीएम ने किसानों को बातचीत का दिया न्योता। कहा सरकार हमेशा किसानों से बातचीत के लिए है तैयार। 22 जनवरी के प्रस्ताव पर फिर विचार करें किसान। किसान नेता राकेश टिकैत ने मन की बात कार्यक्रम के बाद पीएम पर किया पलटवार। टिकैत ने कहा कि सिर्फ पीएम का नहीं है तिरंगा। फतेहाबाद से पूर्व बीजेपी विधायक बलवान सिंह ने किया पार्टी छोड़ने का ऐलान। कहा किसान आंदोलन को मजबूत करने के लिए करेंगे काम। और अब खबरें विस्तार से। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने प्रदेश के गांव के विकास के लिए महारा गांव जगमग गांव की योजना की शुरुआत की। इस योजना से हर गांव तक 24 घंटे बिजली पहुंचाने की कोशिशें की जा रही हैं। इस कड़ी में प्रदेश में अब तक कुल 5223 गांवों को 24 घंटे बिजली की आपूर्ति की जा चुकी है। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने खुद ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। देश में कोरोना संक्रमण की घटती रफ्तार के बीच अब स्कूल दोबारा खुलने की तैयारी में है। इस कड़ी में प्रदेश में भी 1 फरवरी यानी कल से 10वीं और 12वीं से और उसके बाद अब 6 से 8वीं तक के स्कूल फिर खुलेंगे। 6 से 8वीं के लिए स्कूलों का समय सुबह 10 बजे से दोपहर 1:30 बजे के बीच होगा। जो छात्र ऑनलाइन पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं उन्हें स्कूल आने की अनिवार्यता नहीं है। वहीं क्लासेस कोरोना संक्रमण संबंधी सावधानियों के साथ ही लगेंगे और स्टाफ और बच्चों को नियमों का सख्ती से पालन भी करना ही होगा। नए कृषि कानूनों को लेकर विरोध कर रहे किसानों की मांगों पर आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी चुप्पी तोड़ी। 30 जनवरी को संसद के बजट सत्र को लेकर हुई सर्वदलीय बैठक में मोदी ने कहा सरकार किसानों से बातचीत करने के लिए हमेशा तैयार है और 22 जनवरी को दिए प्रस्ताव पर बरकरार है। बैठक में उन्होंने कहा कि मैं आपसे सिर्फ एक फोन कॉल दूर हूं, अब जब भी कॉल करेंगे मैं वार्ता के लिए तैयार हूं। किसान नेता राकेश टिकैत ने पीएम की मन की बात कार्यक्रम के बाद पीएम पर पलटवार किया। दरअसल पीएम ने अपने कार्यक्रम में कहा कि 26 जनवरी को लाल किले पर तिरंगे का अपमान देखकर देश दुखी हुआ। इस पर टिकैत ने कहा कि तिरंगा सिर्फ प्रधानमंत्री का है। साथ ही पीएम को बातचीत वाले प्रस्ताव पर टिकैत ने कहा कि बंदूक की नोक पर बातचीत नहीं हो सकती। फतेहाबाद में किसान आंदोलन को लेकर किसानों ने एक बड़ी पंचायत का आयोजन किया जिसमें बीजेपी के नेता शामिल हुए। पंचायत में फतेहाबाद से पूर्व विधायक बलवान सिंह दौलतपुरिया ने पार्टी छोड़ने का ऐलान किया और कहा कि आज किसान और भाईचारे को बचाने का वक्त है, इसलिए आज मैं अपने साथियों के साथ बीजेपी से अपना त्याग पत्र देता हूं और किसान आंदोलन को मजबूत करने के लिए काम करूंगा। दिल्ली हिंसा के बाद किसान आंदोलन को एक बार फिर मजबूत करने के लिए बाहर गांव में नांदल खाप की पंचायत हुई। पंचायत में नांदल खाप के लोगों ने फैसला लेते हुए कहा कि गांव में हर घर में से एक आदमी इकट्ठा होकर दिल्ली टिकरी बॉर्डर पर जाकर किसान आंदोलन को मजबूत करेगा। पंचायत में भारत किसान यूनियन के प्रदेश प्रधान अनिल सिंह नांदल ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार आंदोलन को तोड़ने की भरसक कोशिशें कर रही है। बल्लभगढ़ में प्रदेश के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने विकास कार्यों का निरीक्षण किया। मौके पर पहुंचकर अधिकारियों को तेज गति से कार्य करने के निर्देश भी दिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बल्लभगढ़ शहर में चल रहे विकास कार्यों में कोई कमी ना आए इसके लिए वो खुद कार्यों को देखने के लिए यहां पहुंचे हैं। समय जो निर्धारित कैसे पूरे होंगे, सड़कें ठीक बननी है, ये सारा निरीक्षण हमने करा है। और कल हम ट्रांसपोर्ट नगर की पार्किंग जो बनेगी 14 करोड़ की लागत से हम सेक्टर इंडस्ट्री का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय मंत्री केशवपाल गुर्जर जी रहेंगे और बल्लभ के सभी लोग अधिकारी बन रहेंगे कि आने वाले समय खरीदार को सबसे बड़ा लाभ मिलेगा। जब अपना ट्रांसपोर्ट में बड़ा ट्रांसपोर्ट नगर होगा, खड़ा करने की वाहनों को जगह मिलेगी या उनके लिए ट्रांसपोर्ट नगर के लिए। भारत पेट्रोलियम मंत्रालय के फरीदाबाद के सेक्टर 9 में सक्षम साइकिल यात्रा का आयोजन किया गया। इस मौके पर भारत गैस के तमाम कर्मचारी सहित स्कूल के छात्र छात्राओं ने साइकिल यात्रा में हिस्सा लिया। वहीं भारत पेट्रोलियम मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि फरीदाबाद में समय समय पर सक्षम साइकिल यात्रा का आयोजन किया जाता है और लोगों को जागरूक करने की कोशिश की जाती है कि महीने में 1 या 2 दिन साइकिल जरूर चलानी चाहिए जिससे स्वास्थ्य सही होता है, पेट्रोलियम पदार्थ की बचत भी होती है। कि कम से कम हर एक आदमी अगर महीने में
एक दो दिन साइकिल चलाए, साइकिल चला के अपने घर पहुँचे या ऑफिस पहुँचे, तो हम काफ़ी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को बचा सकते हैं। तो वही संदेश हम ये देना चाह रहे हैं। हर साल हम लोग ये कार्यक्रम करते हैं, पिछले 3 साल से हम लोग इसी स्कूल में ये कार्यक्रम कर रहे हैं। खबर रोहतक से है, जहां यूपी से व्यापारी को लूटने की योजना से रोहतक आए 5 बदमाशों ने 2 लोगों पर हमला कर दिया, जिसमें एक शख्स की हत्या कर दी गई और दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। आरोपियों ने व्यापारी के सर में रॉड मारकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने घायल शख्स की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की और 3 बदमाशों को 24 घंटे के अंदर ही गिरफ्तार भी कर लिया। यहाँ ये लूटपाट की नीयत से आए थे रात को, और इन्होंने एक अजीम जो लड़का है, अजीम इलिस का लू, इसको रात को इनकी तो इसके सिर में इतनी चोटें मारी हैं कि इसकी चोट, इसकी डेथ वहीं होगी। और दूसरा लड़का जो था बंटी, इसके भी सिर में काफ़ी चोटें लगी हुई हैं। फिलहाल हमारे जो है CIA 1 की टीम और थाना शिवाजी कॉलोनी जो है, यहाँ की हमारी जो टीम थी, इनके जयदीप हमारे सब इंस्पेक्टर वहाँ गए हुए थे अपनी टीम लेकर के हापुड़ में, और हमने फिलहाल हापुड़ से 3 इसमें एक्यूज्ड हमने गिरफ्तार कर लिए हैं। और चलिए इसी के साथ हरियाणा भारत में फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।